आज के दिन जो हम गिरफ्तारी कर रहे हैं हरियाणा के युवाओं के लिए, उनके साथ जो धोखाधड़ी हो रही है आया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये सीईटी का पूरा समीकरण बना है और सारा है, इससे जो है हमारे नौजवान बच्चे पूरी तरह से हताश हैं। जोश है, ये लोगों का दर्द बोल रहा है, विद्यार्थियों का दर्द बोल रहा है, और आने वाले टाइम पे आप देखना क्या रूप लेगी ये चीज़। उनकी हिम्मत है, अगर मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर की हिम्मत है तो अगले 5 साल तक हम तीनों को, जब तक चुनाव नहीं हो जाते 1 साल बाद, अगले 12 महीने हमें जेल में रखकर दिखाए, हम चुनौती देते हैं। सीईटी के मुद्दे को लेकर हरियाणा कांग्रेस की तिकड़ी भी अब सड़कों पर उतर आई है। बीते दिन जहां यूथ कांग्रेस के विशाल रोष मार्च में दीपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए, वहीं आज सीएम सिटी करनाल में हुड्डा विरोधी गुट के तीनों दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी ने एक सुर में सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। कुरुक्षेत्र में श्वेता ढोल की अगुवाई में शुरू हुई युवा अधिकार रैली में कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया और इस दौरान कई किलोमीटर का रोष मार्च निकालते हुए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। हालांकि सीएम आवास घेरने निकले कांग्रेस नेताओं व अन्य प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने अंबेडकर चौक के पास ही रोक लिया, जहां कांग्रेस नेताओं ने अपना ज्ञापन सौंपा और फिर पुलिस को अपनी गिरफ्तारियां दे दी। उनकी हिम्मत है, अगर मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर की हिम्मत है तो अगले 5 साल तक हम तीनों को, जब तक चुनाव नहीं हो जाते 1 साल बाद, अगले 12 महीने हमें जेल में रखकर दिखाए, हम चुनौती देते हैं, हम रहने को तैयार हैं। किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और सुरजेवाला के अलावा इस प्रदर्शन में श्रुति चौधरी भी शामिल हुई, लेकिन इस दौरान हुड्डा गुट का कोई भी नेता नजर नहीं आया। हाईवे से शुरू हुए इस प्रदर्शन में तीनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते दिखाई दिए, जिससे एक संदेश हुड्डा गुट को गया तो दूसरा सरकार को। हालांकि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के तीनों दिग्गज नेताओं ने गुटबाजी पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन खट्टर सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। देखिए, हमारी लड़ाई संसद से लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक है हरियाणा वासियों के लिए। आज के दिन जो हम गिरफ्तारी दे रहे हैं हरियाणा के युवाओं के लिए, उनके साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, 11,22,000 युवाओं को जो लपेटे में लिया गया है, इम्तिहान लिए जाते हैं लेकिन इम्तिहानों में जो धांधली होती है, और अब जो सीईटी का मामला है, अब देख रहे हैं जो बच्चे चलकर आए इतनी गर्मी में, और उन्होंने हमारे से बात की कि आप भी हमारे साथ इसमें आइए, हमारा साथ दीजिए, तो आपने देखा कि हमारे सीनियर नेताओं सहित, हमारे कार्यकर्ताओं सहित हजारों लोगों ने इस मार्च में साथ दिया है हरियाणा के युवाओं का, और आगे भी जो भी संघर्ष होगा हम उसमें हरियाणा वासियों का साथ देंगे, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार, ये खट्टर और दुष्यंत सरकार, लोगों का विश्वास खो चुकी है। जो है हरियाणा के अंदर नौजवान बच्चों के साथ बहुत ही जबरदस्त भद्दा मजाक के साथ खिलाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये सीईटी का पूरा समीकरण बना है और सारा है, इससे जो है हमारे नौजवान बच्चे पूरी तरह से हताश हैं, जिनको ये कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। आज जो है ये अलग अलग तरीके से नौजवानों को उलझा रहे हैं ताकि नौकरियां ना मिल पाएं। ठेकेदारी प्रथा जो है इन्होंने शुरू कर दी है, कौशल रोजगार योजना। आज जो ये नौजवान बच्चे ये जो सड़कों के ऊपर उतरे हैं अपनी जो है विथा के लिए, सुनाने के लिए, उनके समर्थन के लिए जो है हम उन्हें उनका साथ दे रहे हैं और आज गिरफ्तारी कर रहे हैं। और विधानसभा के अंदर इस बात को मैंने बहुत जोर शोर से पहले उठाया है, सीईटी का जो मामला है जिसको मैं कहती हूँ कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट, ये कोई वो जो है दूसरा टेस्ट नहीं है, एक्सप्लॉयट करने वाली बात है, और इसको विधानसभा में और जोर शोर से ये इस बारी मानसून सत्र के अंदर गूंजेगा। आप देख ही सकते हैं कि कितना जोश है, ये लोगों का दर्द बोल रहा है, विद्यार्थियों का दर्द बोल रहा है, और आने वाले टाइम पे आप देखना क्या रूप लेगी ये चीज। किन किन मुद्दों को लेकर आगे कांग्रेस के तमाम नेता पब्लिक के बीच में जाएंगे? हमेशा प्रगति, विकास, 36 बिरादरियों का विकास, सबके लिए हमेशा कांग्रेस ने डेवलपमेंट का काम किया है, चाहे चौधरी बंसीलाल के ध्वज के नीचे हो, तो हमेशा कांग्रेस लड़ाई में, कुर्सी की भी है, मुख्यमंत्री पद की भी है, हर कोई चाहता इन है। बातों में कोई, मैं ज़्यादा सीरियसली इन बातों को नहीं लेती और अपने काम में लगी हूँ। आप मानते हैं इन तीनों में से एक अच्छा मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार है? क्यों नहीं, बहुत प्रेरित करते हैं ये, इनकी जो इनका जो राजनीतिक सफर है बहुत प्रेरणा देने वाला, क्यों नहीं। आप कुछ और कहना चाहें, अपने मन से कुछ बताना चाहें?
यही कि छात्राओं को अब बस जाग जाना चाहिए, युवा वर्ग को उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, जहां बीजेपी ने स्वयं प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अपने जो बड़े बड़े जो ऐलान करे थे चुनाव के पहले कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो तो दूर की बात है। जो रोज़गार, जो बच्चे, गरीब बच्चे स्ट्रगल करके इतना परिश्रम करके अपनी कोशिश करते हैं अपने पैरों के ऊपर खड़े हो, वो भी उनका माध्यम बंद कर। एक आखिरी बात, गुटबाजी की बात आती है, ये अक्सर आपके कानों में भी आती होगी, तो क्या वो चीज़ दूर हो पाएगी या उससे कुछ निकल पाएंगे आगे? देखिए, लोगों का काम है जिताना और अंत में लोगों का दरबार है, तो वही सब कुछ। कुल मिलाकर हरियाणा के लाखों युवाओं की आवाज़ बनकर कांग्रेस की इस तिकड़ी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं हुड्डा गुट का ये संदेश दिया कि कांग्रेस किसी की बपौती नहीं है। बहरहाल, आपको बता दें कि कांग्रेस के इन नेताओं को हिरासत में लेने के चंद मिनटों के अंदर ही छोड़ दिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि युवाओं के भविष्य के लिए वो सालों साल जेल में रहने को तैयार हैं। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।